अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ जो कि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी। जहाँ पे मुझे ये पता चला था कि मेरे विजिट वीज़े की एक्सटेंशंस नहीं हो रही, मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इन्हीं दिनों मुझे एक गुड न्यूज़ मिल गई। और वो गुड न्यूज़ ये थी कि मुझे एज अ ब्लॉगर एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया गया था फॉर द फूड रिव्यू। एक ब्लॉगर की लाइफ और एक ब्लॉगर की लाइफ में यही कुछ अचीवमेंट्स होती हैं जब आपके काम को कोई पसंद करने लग जाता है और जब आपकी भी कोई वर्थ होती है। सो आज मुझे इस रेस्टोरेंट से इनवाइट आया था इनका फूड रिव्यू करने का और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं फ़ूड रिव्यूज़ देती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ देती हूँ और भी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल की शेयर करती हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम से ही मुझे ये इनवाइट आया था और शेक शाक में आई हूँ यहाँ के चिकन बाइट्स ट्राई करने, जो कि इनके मेन्यू में एक न्यू आइटम था। शेक शाक के इस मेन्यू को हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए ही बुलाया गया था। तो ये सब इन्जॉय करने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट किया। और एक ब्लॉगर की लाइफ में इस तरह के बहुत से इनवाइट्स आते हैं, पीआर्स आते हैं, लेकिन इस तरह के इनवाइट्स की क्या खुशी होती है और क्या फीलिंग होती है वो मैंने आज फील की। शेक शाक पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और काफ़ी हैवी था सब कुछ, बर्गर्स, इनके फ्रेंच फ्राइज, इनकी चिकन बाइट्स, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। इसलिए ये टेक अवे मैं कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा और अभी वैसे भी बिल्कुल ही शाम का टाइम था, नहीं खाया गया, तो ये साथ लेके जाऊँगी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज शेक शाक के साथ। मे बी नेक्स्ट टाइम अब मैं खुद से यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। और बस अभी चलते हैं घर वापस। फूड को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय कर लिया था और साथ ही मैं अब आपको थोड़ा सा विज़िट वीज़े की डिटेल्स बता दूं कि 2 वीक्स के लिए जो मैंने अप्लाई किया हुआ था वो अप्रूव हो गया है और मुझे 2 वीक्स का ग्रेस पीरियड मिल चुका है। अब मुझे फ़्लाइट करवानी है तो अब बाकी सारी चीज़ों के साथ अब कम्प्लीट करते हैं अपनी तैयारी। और वैसे तो मैं 6 मंथ्स के लिए जब भी सऊदी आती थी पहले से ही अपनी तैयारी कम्प्लीट कर लेती थी, लेकिन इस बार इसी मंथ मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, तो इसी सारी चीज़ें ऑल ऑफ़ सडन करनी पड़ी हैं। तो मैं मैक्स आई हुई थी यहाँ पे कुछ स्टॉल्स और बैग्स वगैरह चेक करने, और सेल्स तो हैं यहाँ पे लेकिन इतनी जल्दी मैं कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या बाय करना चाहिए क्या नहीं। बस एक एक नज़र डालती हूँ हर चीज़ पे और जो समझ आ रही है बस लेती जा रही हूँ। नेशनल डे की वजह से मॉल्स को तो काफ़ी ज़्यादा डेकोर किया हुआ है और मैंने अपनी फुल वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने नेशनल डे को कैसे सेलिब्रेट किया था।
अभी मैं आई हूँ सेंट्रल पॉइंट और यहाँ से मैंने लेना था लगेज बैग, लेकिन ये सारे लगेज बैग देखने में तो बहुत प्यारे हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे, इसलिए यहाँ से तो मैंने नहीं लिया। और बस मैं बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, वापस ही जाने लगी थी, तो मुझे हाइपर पांडा पे भी कुछ लगेज बैग्स नज़र आए और इनमें से ये हमने फ़ाइनल कर लिया। अब ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ड्यूरेबल है या नहीं, लेकिन सेंट्रल पॉइंट पे काफ़ी एक्सपेंसिव थे तो आई थिंक सो यही बैग ठीक है। अगर आप भी लगेज बैग बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पांडा पे इनकी प्राइस 170-200 है, लेकिन सेंट्रल पॉइंट पे इनकी प्राइस 400-500 थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की, बहुत मैक्स पे भी देखा, सेंट्रल पॉइंट हर जगह पे, इवन के मैंने नून पे भी चेक किया, तो मुझे यही ठीक लग रहा है। फाइनली आज बैग ढूंढते हुए मुझे ये पिलोज़ भी मिल गए जो कि 25 रियाल के दो पिलोज़ हैं। मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छे पिलोज़ हैं, वैसे मैं काफ़ी दफ़ा बाय कर चुकी हूँ, अच्छे नहीं निकलते, तो अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि ये कैसे निकलते हैं। चिकन नगेट्स के साथ आपको ये दो सीजनिंग्स भी मिलेंगी, जिसमें एक सिराचा सीजनिंग है और एक ये मैक्सिकन सीजनिंग है, और इसमें दो इस तरह के आपको बैग्स हैं जो कि मिलेंगे, जिसमें आपने ये ऐड करके नगेट्स फ्राई करने के बाद आपने नगेट्स को इनमें डाल के और ये सीजनिंग डाल के, पूरा इसका तरीका भी बताया हुआ है, सीजनिंग डाल के इसको आप थोड़ा सा इसमें मिक्स अप करेंगी, तो ये भी मुझे काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ लगी है, तो आज मैं ये करके देखती हूँ इन दोनों सीजनिंग के साथ। ग्रॉसरी में इस बार जो मैं हैश ब्राउन्स लेके आई थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका, और ये नगेट्स भी काफ़ी अच्छे टेस्ट के थे। एयर फ्रायर मैंने बाय करना था, लेकिन अब क्योंकि मैं जा रही हूँ तो ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। आगे मैं अब घर भी वाइंड अप करूँगी और आपके साथ सारा शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से घर की चीज़ों को वाइंड अप करती हूँ। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।